जी वी आर बैक एक अनदर व्लॉग। क्यों रुका हूँ मैं पता है तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम, अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जी वी आर बैक एक अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो अभी हम दुकान वगैरह पे गए थे, वहां से आ गए फारिंग वगैरह होके। तो भाई इस ब्लॉग की से स्टार्टिंग लेते हैं। तो हम दुकान पे से आ गए थे, स्कूल भी नहीं जा पाया, इंशाल्लाह कल से जाएंगे, कल से जाएंगे। अब अपनी टॉपिक देता है मैं, तुम लोगों को टेंशन नहीं लो, कल से हम जाएंगे। हाँ भाई कंफर्म है कि कल से जाएंगे, क्योंकि स्कूल से दोस्त की कॉल आई थी, बोले आओ यार तुम छुट्टियाँ इतनी कर रहे हो, तो कल से जाना स्टार्ट कर देंगे। और मैं तुम लोग के बाद बता दूँ कि हम दुकान गए थे, दुकान से अभी हम आ चुके हैं घर पे। इस क्यों आए पता है? नहीं पता मुझे, पता तुम लोगों को नहीं पता, जब भी तो मैं बता रहा हूँ ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। तो दुकान पे से हम घर इसलिए आए थे कि हमने जाना है शेरशाह, ठीक है, शेरशाह से जाना है बोल्डन, बोल्डन से जाना है कोई घंटा ऐसी कुछ करके नाम है उस जगह का, उधर है वॉच, वॉच की दुकान खड़ी होगी। फिर हमने उधर जाना है, फिर उधर से सदर जाना है, चार जगहों से हमने घूमते हुए जाना है। मैं तुम लोगों को जो दिखा पाऊंगा वो दिखा दूंगा, क्योंकि फिर सर्दी बहुत होती है और मोबाइल मेरा चार्जिंग में नहीं है, अर्जेंट में निकलना है, तो फिर इतना कोई ज़्यादा डिस्कवर नहीं कर पाऊंगा, जो हो सकेगा वो मैं तुम लोगों को दिखाता रहूँगा। तो इस बात की टेंशन नहीं लेना, पिछले व्लॉग को तुम लोगों ने बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखाया, बिल्कुल भी जिसे कहते हैं वो नहीं करा, तुम लोगों ने 8-9 व्यूज़ हुए हैं यार, ऐसा नहीं करा करो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। तो अब हम मिलते हैं डायरेक्ट शेरशाह में जाके, क्योंकि पहला सफर हमारा शेरशाह का है, तो हम शेरशाह में जाके मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं शेरशाह क्वालिटी गोदाम, और वहाँ करने जा रहे हैं, हम लोग फिर रहे थे तो सोचा शेरशाह पहुँच जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि सुनने में आया था कि वहाँ पे एयरबड्स वगैरह की लाटें आई हुई हैं, और एयरबड्स आए हैं बड़े वीआईपी वाले ट्रेंडिंग, और क्या बोलते हैं, मैंने वीडियो में देखा था एयरबड्स 2 आए हुए, एयरबड्स प्रो 2 आए हुए रियल वाले, और उनके बहुत अच्छी प्राइस सेलिंग रिटेलिंग पे मिल रहे हैं। वहाँ का सफ़र जो है रफा दफा है, दफा दफा समझ रहे हो ना, दफा। हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, रास्ते मुझे नहीं पता है, मैं जाए जा रहा हूँ बैठ के मुझे चुपचाप से। हाँ नौरा सुरंगी है ये, जो भी है मतलब नहीं, ये नौरा सुरंगी के दो बत्ती है पता नहीं कहाँ है, मुझे पता है मैं बहुत दूर आ रहा हूँ, क्योंकि एंकर कोई मिल नहीं रहा यहाँ पे। हाँ ये मिला ना एंकर, तो भाई वही चलते हैं, वही आके मिलेंगे, फिल्टर लगा दूंगा, जब टेंशन नहीं लो, एडिटिंग के टाइम पर फिल्टर लगाऊंगा, अगर नहीं लगाऊंगा यार क्वालिटी खराब होती है वीडियो की, तो चलो वही जाके मिलेंगे बस। ओका ये देख रहा पीछे भाई कितने आ रहे हैं, कितने चल रहे हैं, वहाँ पे तो कुछ भी समझ नहीं आया। अब जा रहे हैं जनरल गोदाम, फेमस जनरल गोदाम, अब वहाँ जाएंगे फिर तुम लोगों को वहाँ दिखाते हैं कि जनरल पे क्या मिलता है हमें। ये वहाँ के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आईफोन तो यहाँ पे डुप्लीकेट है सारे, बेकार आईफोन है सारे, और सामान की होलसेल रेट हमें सदर से बहुत अच्छे मिल जाते हैं इससे ना। तो अभी हम अगेन सदर जा रहे हैं, और हमारे साथ है रिटेलर 5 नंबर मार्केट का, तो वो कह रहा था कि सदर चलते हैं, अब सदर का तुम लोगों को रेट दिखाता हूँ मैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सदर, अबे जा रहे हैं सदर, ये मार्केट बहुत गंदी हुई हुई है, बहुत बहुत महंगाई है, अबे अक्सर मेरे नफरतों को अक्ल आ गई है, इनको अब पता चल गया है कि मार्केट में रेट क्या है, जब इन लोगों ने हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए तुगने करे हैं भाई, वरना जब इनको पता नहीं था तो इतना सस्ता सामान था यहाँ पे जिसकी कोई हद नहीं है, और अभी भी सस्ता है, सस्ते में पड़ते हैं, मगर इन लोगों को अकल आ गई अखरोट के बच्चों को ना। अब जो भी बात है आप सदर चलते हैं, सदर में मिलते हैं तुम लोगों, सदर तो फिर अपनी मार्केट है ना यार, चलो सदर जाके मिलते हैं, सदर दिखाऊंगा तुम लोगों को, टेंशन नहीं लो, बस यहाँ मैंने ऐसे ही दिखाया, रेट इतने गंदे फायदे नहीं है दिखाने का। अभी हम यहाँ से शेरशाह से फिर निकल लें, अब निकल के फिर तुम लोगों को मैं डायरेक्ट सदर में ही मिलूंगा। मस्जिद कितनी खूबसूरत है ये, हाय 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 माशाल्लाह, तुम खूबसूरत नहीं हो, मस्जिद बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वह वॉशरूम ढूंढने आए थे हम लोग इधर, चलो अभी वॉशरूम चलते हैं, देखो माशाल्लाह है बहुत खूबसूरत है। तो भाई लोग हम लोग शेरशाह वगैरह से तो आ गए थे, तुम लोगों को बता दिया था मैंने कितनी खुआरी हुई है रास्ते में। तो भाई हम लोग शेरशाह गए, शेरशाह में हमने आईफोन सिर्फ और सिर्फ, मैंने जितनी भी चीज़ें देखी सब बेकार चीज़ें, कोई भी किसी काम की चीज़ नहीं, वहाँ पर सिर्फ आईफोन 6S Plus मिला हमें,
वो 1200 रुपए का दे रहा था, मगर हमें चाहिए नहीं था क्योंकि हमारा एक्वास आर टू बेहतरीन है। जाएंगे तो कोई अच्छी डिवाइस की तरफ जाएंगे, 11 एक्सएस मैक्स की तरफ जाएंगे। तो जब भी मुझे समझ नहीं आया और ना मुझे वो लेना था, मैं गया था दुकान के लिए एसेसरीज के चक्कर में। अब मैंने बोला यार वहाँ पे शेरशाह में अच्छी से एसेसरीज मिल जाएगी, मैं गया उधर, मैंने जाके रेट लिए। उफ भाई, M10 एयरपॉड्स होल सेल रेट उसकी जब हमें 950 मिलने, वो कह रहा है 1150 दूंगा मैं आपको, वो भी अगर आप 100 पीस लेते हो, वरना आपको 1150 देने पड़ेंगे। मैंने बोला यार इससे अच्छे रेट तो हमें सदर में मिल जाते हैं, तो कह रहे थे वहां से लो। फिर उससे ऐसी बहस वगैरह हुई, फिर जनरल गोदाम में गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, वहां पर कुछ नहीं समझ आया। तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा ना आईफोन लेने जाओ, ना कुछ भी नहीं लेने जाना है, सब कुछ बेकार है। सबसे पहले तो वहाँ पे कोई वारंटी क्लेम नहीं है, इससे अच्छा थोड़ा सा महंगा ले लेना, और कोई मार्केट से ले लो कि तुम लोगों को कोई मसला ना हो पाते। तो फिर हम लोग वहां से गए बोल्डन, बोल्डन से दूसरे दोस्त ने मान लेना था, वो उसकी दुकान 5 नंबर पे एसेसरीज की, तो उसने वगैरह वहाँ से एसेसरीज वगैरह लेनी थी, उसने बहुत सामान वगैरह लिया वहाँ से। फिर हम वहाँ से घड़ी की मार्केट में, उसने वहाँ से घड़ियों का घड़ियाँ वगैरह ली, और VIP घड़ियाँ थी, मैं तुम लोगों को दिखा नहीं पाया क्योंकि हमारे साथ हो गया बहुत बड़ा वाला स्कैम। क्या हम लोग अंदर गए, अब दोस्त ने बोला यार गाड़ी इधर ले आके खड़ी कर दो, इतनी देर बस समझ लो 2 मिनट लगेंगे। हम लोग गए और वापस आए, अंदाजा बताओ कि क्या हुआ हुआ है। सदर की तरफ होता ही है गाड़ी ले गए, मगर ये था कि वो इतना हराम खाऊ नहीं थे उन लोगों ने, पता है क्या करा, ज्यादा पैसे नहीं लिया, वरना अगर सदर की एक जो मेन मार्केट है ना उसके पीछे वाले ले आते तो भाई 400-500 रुपये उनको पक्के देने पड़ते। मगर वहाँ पे ये रूल अच्छे, दूसरी जगह लेके गए थे, वहाँ रूल ये अच्छा था कि वहाँ पे 200 रुपये दो आप वो रसीद बना के देगा, वो आपको पूरा पर्चा बना के देगा, और वहाँ पे तो भाई आपको सिर्फ पैसे दो, गाड़ी लो और बैठ के निकल जाओ, वो नाम लिखवा दो अपना। तो भाई वो रूल अच्छा लगा, पहले चलो यार हमने रॉन्ग लगाई थी, ये हमारी गलती है, हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, मगर इनको भी चाहिए कि पार्किंग तो बनाए, अगर पार्किंग नहीं होगी मार्केट होगी तो बंदा गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा ये बताओ मुझे तुम लोग। तो जो भी बात है यार वो छोड़ो, तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। आपका मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, आपका मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।